नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में आज का वीडियो है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान दोनों फिल्मों का जो क्लेश हो रहा है, तो इसमें अब कौन सी फिल्म बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि दोस्तों, अभी पहले तो मैदान का कोई प्रमोशन अभी शुरू हुआ नहीं है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन जिस प्रकार से बोनी कपूर ने मैदान फिल्म को करीब बड़े बड़े क्रिटिक्स को दिखाया, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को दिखाया और जो पॉजिटिव रिव्यूज सामने आए, इसके अलावा ट्रेलर को भी उन्होंने कुछ क्रिटिक्स को दिखाया और ट्रेलर के भी जो माइंड ब्लोइंग रिव्यूज सामने आए, तो उसके बाद में अचानक से मैदान का मतलब जो हाइप है वो बढ़ने लग गया, क्योंकि फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट के 20-25 मिनट तो माइंड ब्लोइंग आई और इमोशनल मूवी है, पेट्रियोटिक मूवी है, बायोपिक हालांकि, लेकिन इसमें आज आपको देशभक्ति का तड़का भी देखने को मिलेगा। तो अचानक से ऐसा लगा कि BMCM से काफी आगे निकल गई है मैदान। जहां तक बुकमाई शो की बात करें तो दोनों लगभग बराबरी पे है, 32-33 के आसपास इंटरेस्ट थे दोनों ही फिल्मों के। तो अब ये क्लेश का क्या होगा और कब मैदान का प्रमोशन शुरू होगा? तो मैदान का प्रमोशन शैतान की रिलीज के बाद में शुरू कर दिया जाएगा। शैतान 8 मार्च को आ रही है, क्योंकि ये मैदान वाले नहीं चाहते कि मैदान के कारण शैतान दब जाए, क्योंकि आप जानते हैं मैदान बहुत बड़ी फिल्म है, शैतान भी अच्छी फिल्म है, डेफिनेटली बहुत ही हॉरर जबरदस्त मूवी है, लेकिन मैदान का एक अलग ही रुतबा है, एक अलग ही मतलब एक कहानी है। अजय देवगन सर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, तो इसलिए अभी इसका प्रमोशन में थोड़ा डिलाई बढ़ती जा रही है, लेकिन 8 तारीख बाद में इसका बहुत तेजी से प्रमोशन होगा, गाना भी आएगा। 10 तारीख तक इसका फर्स्ट गाना या एक टीजर आने की उम्मीद है मैदान की, ट्रेलर अभी लेट आएगा। जहां तक बात करें अपन BMCM की, तो BMCM के बड़े मियां छोटे मियां के अपन 2 गाने देख चुके हैं, तीसरा गाना आने की तैयारी है जो इस वीक में आने वाला है, और ट्रेलर लेट आएगा अभी इसका, लेकिन प्रमोशन बहुत तेजी से चल रहा है। अभी लखनऊ में भी टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार ने एक प्रमोशन किया था बहुत बड़ा, जहां उन्होंने रियल स्टंट किए थे पब्लिक के सामने, जहां पे लाठियां भी चली थी और चप्पलें भी फेंकी गई थी। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। तो दोनों फिल्मों का एक ग्राउंड लेवल पे हाइप है, लेकिन अभी अब कौन सी फिल्म का ज़्यादा बड़ा हाइप है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों फिल्मों का हाइप धीरे धीरे बन रहा है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ का भी हाइप बन रहा है, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बूस्ट करने के लिए अभी जरूरत होगा कि एक जबरदस्त ट्रेलर निकाला जाए या कोई जबरदस्त गाना आए। शुरुआत के जो दो गाने आए हैं टाइटल सॉन्ग और दूसरा दोस्तों जो गाना आया था मस्त मलंग वाला, दोनों चले हैं, हालांकि लोगों को पसंद आए, लेकिन फर्स्ट वाले को तो काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया और सेकंड वाले को कॉपी बताया गया है नट्टू नट्टू सॉन्ग की, जो NTR का जो जूनियर NTR रामचरण का जो गाना था जो उस फिल्म में जो RRR उसकी है, जो भी बात है, लेकिन अक्षय और टाइगर श्रॉफ कोई कमी नहीं छोड़ रहे फिल्म में प्रमोशन में, और काफ़ी बड़ी फिल्म होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त एक्शन होने वाली है। बाकी तो फिल्म की स्क्रिप्ट पर डिपेंड करेगा कि कितनी दमदार स्क्रिप्ट है। मैदान तो खैर डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन फिल्म होने वाली है। तो अभी इनका जो ट्रेलर है वो दोनों ही फिल्मों का ट्रेलर मुझे लगता नहीं कि अभी 10 दिन तक आएगा, अभी थोड़ा लेट ही आएगा, अभी उम्मीद मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी ये ट्रेलर रिलीज करेंगे, लेकिन दोनों फिल्मों के गाने वगैरह है, टीजर वगैरह है, ये जरूर आपको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं, और सॉन्ग तो डेफिनेटली आने ही वाले हैं। तो आप बताइएगा इस क्लेश में कौन विजयी होने वाला है, अक्षय वर्सेस अजय देवगन, कौन जीतेगा इस क्लेश को, कौन सी फिल्म ज़्यादा बड़ी ओपनिंग लेगी? फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी जो हाइप है उसके अकॉर्डिंग तो दोनों फिल्मों को लगभग बराबरी पर स्क्रीन्स मिलेंगे, और जो इनका जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, कोई 5-7 करोड़ इधर उधर रहेगा, बाकी दोनों ही डबल डिजिट ओपनिंग लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10-15 करोड़ का प्रेडिक्शन अभी दोनों फिल्मों का आ रहा है कि लगभग 10-15 करोड़ की रेंज में ओपन हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।